असलम वरहतल वरक मैं महमदान अहमद अलबिकतालबिल आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से 25 जून 2023 सात तेईस सातिजा चौदह सौ चवालीस हिजरी बरोज़ इतवार फजलतुलशेख़ अब्दुलसब उमरी मदनी हफीदुल्लह का और इदारे में मौजूद अब तमाम मरद ख़वान का तहदिल से खैर मकदम करता हूँ मैं आपको अलीफ़ अलीसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तर सा तारफ़ देना चाहता हूँ अलीफ़ अल्सान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयान असलाही बयान इस्लामिक वर्कशॉप इस्लामिक क्यू एन ए इंटरेक्टिव सेक्शनस किए जाते हैं इस्लामिक किट्स कैम्प भी किए जाते हैं और सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर कुरान और इस्लामिक लिटरेचर उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है अलहमद अलीफ़ टी वी के लिए के दी ब बयान के रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं शर्य सवाल या मसाइल आज कल आलिम के मखसूस नंबर पर व्हाट्सअप के ज़रिए किए जा सकते हैं नंबर है डबल नाइन डबल सिक्स थ्री सिक्स सेवन सिक्स डबल जीरो इन आप सबको तसली बख्श जवाब हासिल होंगे अलीफ़ अल्सान इस्लामिक फाउंडेशन का शोबे खुतिन मोहतरमा बिनत अहमद जो कि एल एल बी के, के तलबा है आपकी निगरानी में कई सारे एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं में बिन अहमद हर रोज़ टू थर्टी से थ्री ओ क्लाक ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कंडक्ट करते हैं आप तमाम से गुजारिश हैं कि अपने घर के खातियों को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं अलीफ अट्रस्ट के तहत हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन हर जुम्मा फूड डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रब्यूशन किए जाते हैं उम्र दराजआलमा और आलमियत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंड्स मुहैया किए जाते हैं खांस एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानब से फ्री लीगल गाइडेंस टू लॉ स्टूडेंट्स किए जाते हैं फ्री फ्री काउंसलिंग टू डिस्प्यूटेड कपल्स किए जाते हैं और भी दिगर प्रोग्राम्स uh, किए जाते हैं अब मैं आज के हमारे मुखर फ़जलतुलशेख अबूर उमरी मदनी हफीजाल्ला का मुख्तर सा तारफ़ देना चाहता हूँ आपने दो हज़ार में उमराबाद से फरागत हासिल की है और दो हज़ार सात में आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनवर से फ़्र और इस्लामिक लॉ इन एम ए की तालीम हासिल किए हैं और आप अब बेंगलुरु में जामिया मोहम्मदिया मालागांव में दस साल खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अब आप फ़िलहाल उमराबाद में खदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सात साल हो चुके हैं आप अभी उमराबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं अब मैं बिना किसी तख़िर के शेख को दावत देता हूँ कि वह अपना प्रोग्राम शुरू करेंवान बाप बेटे का ताल्लुक़ औरवाई इब्राहिमी फजलतुलशेख عبد الصبور امري مدني حفظ الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مع بعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه قد كانت لكم हसनती इब्राहीम في मोहतरम والذين معه सौ سامعين 1440 के हिजरी के आखिरी महीने से हम गुजर रहे हैं माशाल्लाह जब झलहिज़ा के दिन आते हैं पूरी दुनिया में हज़रत इब्राहीम का चर्चा होने लगता है बिलाख़िर क्या बात है कि दुनिया इब्राहिम को इतना ज़्यादा चाहती है हकीकत में यह है कि अल्लाह तबारक व ताल के दो दोस्त हैं दुनिया में वो कौन हैं एक हैं इब्राहीम दूसरे मोहम्मद और रसूल सल्लाम और इन दोनों को खलील कहा जाता है जैसा कि अल्लाह के अल्लाह ताल खुद कहता है वह तखदल्ला इब्राहिम खलीला अल्लाह तब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया है और हज़रत जुन्दु बिन आब्दुल्ला रजी फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया तखदनी खलीला तखद इब्राहीम खलीला अल्लाह ताली ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है जैसा कि इब्राहिम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है माशा इब्राहिम को हम कितना याद करते हैं नमाज़ों में कमौल ताली इब्राहिम वाला इब्राहिम कहकर तशद में याद करते हैं दुनिया के कोने कोने से माशा हज़रत इब्राहिम को इतना याद किया जाता है और इब्राहिम की शख्सियत ऐसी है देखने में वो फर्द वाहिद मगर उम्मत हैं जैसा कि अल्लाह ने कहा इन्ना इब्राहिम का ना उमतन बिलखल हज़रत इब्राहिम का चर्चा क्यों इसलिए कि अल्लाह ताल के बड़े महबूब बंदे अल्ला के चाहिए थे अल्लाह के वली हैं और दूसरी वजह यह समझ में आती है कि हज़रत इब्राहिम की दुआओं को कुरान ने बहुत नकल किया जिस नबी की कुरान में सबसे ज़्यादा दुआ है वो इब्राहिम है जैसा कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को नकल करता है सूरह शरा में वज आसान सुदिन फ़िलक़रीन अय्ला मैं दुनिया से चला जाऊँगा मगर तुम मेरा ज़िक्र खैर दुनिया में छोड़ दे अल्लाह अकबर अल्लाह का करना ऐसे हुआ वो पता नहीं किस इखलास से दुआ मांगी थी चाहिए बंदे ने अल्लाह ने बाप को क्या उठाया बेटों को भी उठा दिया अल्लाह ने कहा वज लिसान लसान सुदिन बहरहाल हज़रत इब्राहिम की शख्सियत ऐसी है कहीं से भी आप देखेंगे ये कम्पलीट इंसान नज़र आएंगे वो लिहाजा आज के दरस में हम एक पहलू को लेते हैं वो क्या है हज़रत इब्राहिम का इस्माइल से ताल्लुक़ कैसे था आज के ज़माने में हम देखते हैं यह बाप बेटे का ताल्लुक बहुत बिगड़ता जा रहा है खसूस नौजवानी की दहित पर ख़दम रखने वाले नौजवान बेटे अपने माँ बाप से बहुत बुरा सलूक करते हैं एक मरहला दूसरा मरहला शादी के मौके पर वो अपनी बीवी के इंतब में पूरा अपने हाथ में लेना चाहते हैं दो नंबर तीन ये है शादी होने के बाद अपने वालदान की सजना पसंद ही नहीं करते तो इस तरीके से बाप बेटे की दूरी क्यों असबाब क्या हैं और हमारे जो है अम्बिया आलिम सलात वाम और अल्लाह के नबी वसम और आपके साहब कराम माशा कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते थे इन श वो चीज़ हम आपके सामने बयान करेंगे सबसे पहले हमने आपके सामने सूर मुमतःना की अकायद पढ़ी अल्लाह तबारक उसमें फरमाता है अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बड़ा बेहतरीन नमूना है अब एक पॉइंट ये सुनिए अल्लाह तुरे कुरान में पच्चीस नबियों का तस्करा फरमाया नाम में इधर जिक्र है उसका लेकिन दो नबियों के लिए अल्लाह ताला उस का लव इस्तेमाल फरमाता है जिसके माने आइडियल के हैं अल्लाह पुरान में बोलता है कि तुम दो नबियों को आइडियल बनाकर चलो अपनी ज़िंदगी में एक कौन है एक इब्राहीम वसलाम हैं और दूसरे हैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम यह आए तो हर मरतबा आप सुनते हैं क्या है लखद खान लकुम फी रसूल उसवत हसन अयमोमिन तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बड़ा बेहतरीन नमूना है ah, hey. तो आइए आप इब्राहिम को देखो बेहतरीन नबी के अतबार से भी कामयाब नज़र आते हैं बेहतरीन दाई बेहतरीन बेटे और उसी तरीके से बेहतरीन बाप भी आप किसी भी नाहिए से देखो इब्राहिम की ज़िंदगी माशा बड़ी बेहतरीन नज़र आती है अच्छा इब्राहिम कैसे बेहतरीन बाप हैं अगर आप उनकी तड़प ये देखना चाहते हैं तो सुर मरीम का पूरा एक रुकू पढ़ो अल्लाह ताल उसमें फरमाता है उवज़ को रफ़िल कीता इब्राहिम इन्ना कान सद्दीक़न नबी या इद कल अली अबी ही अब देखो इब्राहिम के चर्चे को आम करो अए अल्लाह के नबी बेशक वो सच्चे नबी थे और वो अपने बाप से कहते हैं अए मेरे अब्बा जान यहाँ देखो हमारे मुसलमान लड़के जो होते हैं अपने बाप से बात करते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि वो घर का काम वाला है यहाँ देखिए काफ़िर बाप से बात करने का अंदाज़ कैसे है चार चार मतबा कहते हैं अय मेरे अब्बा जान और याद रखिए अपने बाप से बात करने का तरीक़ा अगर हमें सीखना है तो इब्राहिम को देखना है अल्लाह अकबर बोलते आए मेरे अब्बा जान आए मेरे अब्बा जान वो ख़िताब के अल्फाज तो ऐसे हैं उलमा बताते हैं एक तड़पते दिल से जो अल्फाज अल्फाज निकलते हैं वो सामने वाले के दिल को माशाल्लाह जो है चूरा चूरा कर देते हैं इब्राहिम इब्राहीम ने अपने बेबाप से कहा आए मेरे अब्बा जान देखो जहन्नम से बचाने की बड़ी फ़िक्र और बहुत मनाया बहुत मनाया लेकिन जो है हज़रत इब्राहिम का बाप आज़र नहीं माना क्या बोलने लगा वह जुरनी मलिया तुम छोड़ दो मुझे मैं तुमको जो है पत्थर मार मान के संसार कर दूँगा अल्लाह अकबर यह गुरहम पैगम्बर का बाप का अंजाम क्या होता है देखो आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कियामत के दिन अल्लाह ताला इब्राहिम से कहेगा इब्राहिम अपने पांव की तरफ देखो अपने पाँव की तरफ़ देखो इब्राहिम जब अपने बाप को कीड़े की शक्ल में देखेंगे कीड़ा होगा वो हूल रज़म पैग़म्बर का बाप जब तो को नहीं अपनाता है तो कैसी ज़िल्लत का शिकार होता है देखो अल्लाह ताला फ़रमाएगा इब्राहिम ज़रा उसे जो है अपने पैर से रो दो अपने पैर से रो दो उस वक्त हज़रत इब्राहिम कहेंगे देखो अल्लाह मैंने दुनिया में दुआ की थी अयल् दिन तो आखिरत में मुझे रसुआ ना करा क्या रसवई हो रही है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का जहन्म कहेगा कि उसको दे करके जहन्नम में ढकेल दो तो उसे क्या मालूम होता है हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है हम दुनिया को देख कर एक बहुत बड़ी नियामत समझ जाते हैं मगर इसमें सबसे बड़ी दौलत वो हिदायत की दौलत है मैं हमेशा यह कहता हूँ ग़ैर मुस्लिमों के जनाजे पर सर गुजरते हुए ईमान की नियामत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो वो दुनिया में काफिर हालत कुफर में चला गया ये दो बातें हमारे लिए इबरत हैं एक तो ये है कि हमने दावत के काम में कोताही की इसीलिए वो हालत कुफर में मरा दूसरी ये है कि अल्लाह तबारक तब को ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है और यही दौलत ईमान की कभी मामूली नज़र आती तो अल्लाह की नबी सल्ला वसलम कैसे इलाज करते थे ग़ब़े हुनैन के मौके पर आप सल्हुह वसम माल तकसम कर रहे थे तो माल तकसम करते वक्त हुआ क्या वह सल्ह वसलम नए नए मुसलमानों को या इस्लाम की तरफ आने वालों को माल दे रहे थे मौके पर क्या हुआ साहब कराम में से अनसार की जमात के लोग कहने लगे अल्लाह के नबी को आ, मतलब लड़ाई के वक्त हमारी तलवारें याद आती हैं पैसा देने का मसला आता है तो अल्लाह के नबी किसकी जगह देते हैं अल्लाह अकबर यह एतराज़ था नबी की तकसीम पर साहबा की तरफ से अनसार की तरफ से नबी को मालूम हुआ मेरे होते हुए हिदायत की नियमत को मामूली समझते हो मामूली से मालिक नीमत की बुनियाद पर रसूल अक्रम सम ने साहबा के आंखों पर यह मादा परस्ती का जो आयनक चढ़ रहा था उसको आपने बड़े अच्छे अंदाज़ से उतारा क्या किया पूरे अंसारी साहबा को अलग जमा किया देखो इसलाह का तरीक़ा कैसे है और आप सल्ला वो गए बोले आए अंसार की जमात मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरे पर गुस्सा होते हो क्या गुस्सा होते हो मैंने माल उनको दिया तुमको नहीं दिया तुम इस बात पर गुस्सा होते हो याद रखो आ, देखो तुम गुमराह थे अल्लाह ने मेरी वजह से तुमको हिदायत दी तुम्हारे दिल परा थे मेरी तरफ से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों मोहब्बत पैदा किया अल्लाह के नबी वसम एक जुमला बोलते जाते वो साहबा के दिल पसीते जाते पूरे बुजुर्ग अंसारी बड़े बड़े दाढ़ी वाले साहब इकराम आपने आखिरी में एक जुमला ऐसे कहा जिसने साहबा को माशाल्लाह रुला के रख दिया अल्लाह के नबी ने पूछा इंसार की जमात क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि मैं उनको वादी भर के बकरिया दिनों सब दे, दे दूँ और तुम नबी करीम सल वसम को अपने घर ले जाओ मेहमान बनाकर अल्लाह अकबर तो उस वक्त हज़रत साहब कराम रोते रोते दाढ़ियाँ तर हो गईं उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़बान था जो अल्फाज निकले वो ये थे रवीना रसूल कस्म व नसीबा अल्लाह और उसके रसूल जितना हमें तकसीम करते हैं हम उससे राज़ी हो जाते हैं तो यह हज़रत इब्राहिम बेटे बनकर बाप से हसन सलूक कर रहे हैं बेचार चार बोल रहे हैं अय मेरे अबा जान मेरे अब्बा जान मगर वो अपने जो है आ, बाप को हिदायत नहीं दे सके अल्लाह यही फ़रमाता है इ नकल तदीम तलादीम यशा मगर जब हम गुफ्तु करते हैं हाँ, बाप बेटे के तल्ल से हज़रत इब्राहिम यकी बेहतरीन बेटे की तरफ से पहले बेटे के तौर पर नुमाया नजर आते हैं बाद में चल कर वह बाप बनते हैं तो उसका तस्करा हम करते हैं याद रखिए है, इस्लाम के नज़दीक माँ बाप के साथ हसन सलूक करने के लिए मजहब की कोई कैद नहीं है इस चीज़ को दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है अल्लाह ने खुद रखमान की आयत नंबर पंद्रह में कहा व हूँ माँ फिर दुनिया मारूफ़ा देखो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो अल्लाव करतुबी रही कहते हैं वल आय तो दलील अला सिलत अलाबिनकाफ़र और बोलते हैं ख़ुरतुबी रही इस आयत से मालूम होता है कि माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो तब भी उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए नरम गुफ्तगू करना चाहिए और उनसे नरमी से पेश आना चाहिए असमा रजी अल्लाह रसूल के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल मेरी काफिर माँ मेरे पास बार बार आती है क्या करूँ तो नबी ने फरमाया वन अगर चाहे तुम्हारी माँ काफिर है फिर भी उनसे हुसने सलूक करना और अल्लाह की नबी के तलीम पर कुरबान जाओ सफिया रजील यहूदी की बेटी थी जब मुसलमान होकर नबी की जोजियत में आईं तो वह अपने यहूदी रिश्तेदारों को माशा सलूक करती थी मगर कभी भी जिंदगी में रसूल वसलम ने अपनी बीवी को जर्रा बराबर भी नहीं रोका बिरहल हम ये बताना चाहते हैं इब्राहिम बेहतरीन बेटे थे आखिर में बेहतरीन बाप बने और अपने बेटे को पूरा सहारा दिया बेहतरीन तरबियत फरमाई और अब देखो हजरत इस्मा सलाम की जो तरबियत इब्राहिम ने की थी मैं समझता हूँ ऐसी तरबियत दुनिया में बहुत कम करते हैं और यह तरबियत करने में इब्राहिम का कोई बड़ा किरदार नहीं था अल्लाह तबारक तौ का किरदार था इसमें और अल्लाह तरबियत करता है खास लोगों की देखिए अल्हमद अल्लाह ही रबिलमीन हम पढ़ते हैं आयत हम क्या तर्जमा करते तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो जहानों का रब है अल्लास रही एसायद की तफसर में कहते हैं अल्लाह ताली रब है इसका मतलब ये कि अल्लाह तरबियत करता है तरबियत भी दो तरह की होती है एक तरबियत आम होती है अल्लाह ताला काफिर को भी पाल रहा है मुसलमान को भी पाल रहा है मुती को भी फरमाए ना फरमान सब पाल रहा है एक आम तरबियत हुई मगर अल्लाह तबारक तआला यह ख़ास तरबियत करता है जो नबियों की होती है आप देखो आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब बंदों की नबियों की रसूलों की तरबियत कैसे फरमाई जब मूसा आसमाम आग जिसमें डाल दिए गए ताबूत में दूध पिलाने का मसला आया मगर माशा मूसा की तरबियत ऐसे हुई कि कोई भी औरत दूध पीते दूध नहीं पी रहे फरमाता है वह व हरमन आलहीमरदे उस मौके पर वो बहन खुद आती है ना लम्बा वाक़ सुरख़स में है वह आकर खुद माशा जब हजरत मूसा अपने माँ के गोद में जाते हैं तो माशा दूध पीने लगते हैं अभी देखिए बाप बेटे का ताल्लुक बड़ा जज्बाती होता है मैं समझता हूँ इस पर गुफ्तगु करते हुए करने वाले को ख़ुद अपने आप पर काबू मुश्किल है और सुनने वालों को काबू भी बड़ा मुश्किल है अल्लाह तबारक वाली ने बाप बेटे में वो मोहब्बत रखी है फौलाद और लोहे की तरह ही है जैसे लोहा और फौलाद एक तरह लगे रहते हैं वैसे अल्लाह तबारक वाली ने इस ज़ब, इस जज्बे में इस तालकुक़ में बड़ा जज्बाती ताल्लुक रखा अल्लाह तला ने यह बेटे वाले के लिए जिगर का टुकड़ा होते हैं आँखों का नूर दूर होते हैं अल्लाह ने तो यही कहा वल्लज़ीन यकूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वा ज़ुर्रियतना क़ुर्रत अयुन क़ुर्रतन क्या मतलब है क़ुर्रत अयुन बोले तो बाप अपने बच्चों को देखता है कि वो अल्लाह की इताअत कर रहे हैं अल्लाह की इताअत करते हुए इसकी आँखों से जो ठंडे आंसू आते हैं उसको कुरान ने क़ुर्रत अयुन कहा है ये बहुत अच्छी तरह समझ में आती है हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी हम उनको नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं अपने तोतलाती ज़बान में जब वो ला अ पढ़ते हैं अल्ला अकबर कहते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो माशा बड़ा अच्छा लगता है अब देखो ये बेटे अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत हैं हमारे पास होता क्या है बेटा बेटी पैदा हो गए तो अलग अलग निगाहों से देखते हैं याद रखिए है, अगर अल्लाह तला ने अगर बग़ैर की औलाद दी अल्लाह की इस नियमत पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ने यही बात सुर नहल की आयत नंबर सेवेंटी टू में कही वज अलकुम मिन अजवा जिकुम बनी नफदा अल्लाह तला ने तुम्हारी बीवियों में से बेटे पैदा किए नौकर चाकर पैदा किए और अल्लाह ताला सुरे नूह में ये देखिए अल्लाह ताला सुरे नूह में इस्तर के फ़वाद बताता है फ़ुल्बकान गफ़ारा यूसलारा व्यम दिल वन यहाँ देखिए इस्तार का फ़ायदा बताया अल्लाह ताली तुम्हारे माल में इजाफ़ा करेगा बेटों और औलाद में भी मुकम्मल तौर पर इजाफ़ा करेगा इसी वास्ते हसन बसरी रही के पास कई आदमी आई एक आकर बोल लगा मेरी कमाई में बरकत नहीं है एक आदमी बोल लगा नमाज़ जो है मे वो खादसाली है वो साली। एक बोलने लगा मुझे सुकून नहीं है हर एक आदमी को हसन बसरी रही मिला इस्तगफ़ार का हुक्म देते बोलते इसतगफ़ार क्या है असल तमाम मुश्किल की चाबी है ये और उसी तरीके से अल्लाह तबारक ताल ने कुरान में बाप बेटे का जिक्र बहुत जगह किया है सबसे पहले दुनिया में जो बेटे थे वो आदम के दो बेटे हैं खुदसा सोरे मैदा में मौजूद है अल्ला फरमाता है वतल नब अब नहीं आदम अबिलह के नबी इन पर आदम के दोनों बिटों दोनों बेटों का ख़स्ा पढ़ सुनाओ वो जानते हैं ना वो खूबसूरत से शादी करने के लिए दोनों लड़ पड़े कत्ल हुआ बाद में अल्लाह तौारा से तस्करा फरमाया और उस तरीके से अब बाप बेटे के जज्बा किस्से को अल्लाह तबारा को तौरण सुरन ने बयान फरमाया हजरत नूसम जानते हैं और पैगम्बर में से अपनी कौम में नौ सौ पचास साल तक ठहरे रहे जब उनका बेटा डूबने लगा तो बाप को बड़े परेशानी हुई अब जैसे देखते हैं बच्चे अगर मतलब बीमार हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में बाप को बड़ी परेशानी होती है कभी कभी तो माँ बाप अपने बच्चों को हस्पताल में एडमिट करके बाहर खड़े रहते हैं ऐसा ये अल्लाह ने ऐसा दिल में मोहब्बत रखी है जब काफिर बेटा डूबने लगा तो हज़रत सलाम ने कहा या कम माना आए मेरे बेटे तो हमारे साथ सवार हो जा दिल मर ले रहा है पूरी दुनिया डूब रही है नू का बेटा डूब जा रहा है बाप को बेटे की फ़िक्र हो रही है उन्हें क्या बोलता है बेटा ला उन्हें बोलता है मैं साब इला जबल जबली यासिमिन मैं पहाड़ पर चढ़ गया तो मैं बच जाऊँगा अल्लाह फरमाता है ला आसिमल्यूमिन नबर ला अल्लाह ताला जिस पर रहम करता है वही जो है बचता है तो यहाँ देखो आदम के दोनों बेटों का ख़िस्सा नू आसम अपने काफ़िर बेटे के तड़पने लगे वो जिक्र है और इसी तरीके से अल्लाह ताली हज़रत यही का जिक्र भी फ़रमाता है जो ज़करिया के बेटे थे ज़खरिया ला वलत मरियम सलाम को बैतलमस के वो महराब में बढ़ कर इबारत करते हुए देखे तो ये सोचने लगे जब अल्लाह ताली ये एक औरत को बग़ैर शोहर के अल्लाह दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता तो वहाँ खड़े होकर दुआ करने लगे रब भी हबिल मिल्ल कुरियत तयब अयल्ला तुम मुझे पाकिदा बच्चा दे वहाँ खड़े होकर बहरहाल लम्बी बात है तो अल्लाह तबारक वाली हज़रत ज़करिया को यहिया जैसा बच्चा देता है और बोलता है ए ज़करिया याद रखो यह बच्चा हमने तुम तुमको दिया है ना इसका नाम हमने यहीया रखा इससे पहले हमने किसी का नाम जो है यही नहीं रखा था इसी तरीके से हजरत इब्राहिम हम देखते हैं में कैसे ताल्लुकात थे आपके सामने कहता हूं सादतमंद बाप और हजरत इस्मा हजरत इब्राहिम के वफाशार और इताद गुजार बेटे थे हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी असल में रबली तुम मुझे नक औलादे हम में से हर एक अल्लाह से औलाद मांगते हैं मगर नेक औलाद नहीं मांगते इसीलिए अल्लाह खुरतबी रही कहते हैं नेक औलाद की दुआ करना असल में यह जो है नबियों का शेवा है अल्लाह अल्लाम इबनक रही रबी हबलिन की तफसीर में कहते हैं अल्लाह तबारक ने हज़रत इब्राहिम को औलाद दी ऐसी औलाद दी देखो हज़रत इब्राहिम का बाप पूरा घराना ख़ानदान काफिराना मुशरक़ाना था अल्लाह ताली ने आज़र के घर में इब्राहिम को पैदा फ़रमाया इब्राहिम के घर में हज़रत इसमाइल इसहाक पैदा हुए हाजर और सारा से अब क्या है उनका ददियाल पूरा काफिराना है अल्लाह ताला ने उस घर से उठाया इसीलिए अल्लाह तबारक ने सबर के एवज में नई कौलादा फरमाई अच्छा नए औलाद किसे बोलते हैं नेक औलाद किसे बोलते हैं देखो इबन ओसैमिनल्ला नेक औलाद की तशरी करते हुए फरमाते हैं जिसका ज़ाहिर भी अच्छा हो बातिन भी अच्छा हो जो अल्लाह और बंदों के हकूक़ के अदा करने की ताकत रखता हो एक तरफ़ आप इब्राहिम और इसमाइल को देखो अल्लाह का हक़ अदा करने में माशाल्लाह एक हद पूरी एक हद तक कामयाब और दूसरी तरफ माशाल्लाह बंदों के हक़ में भी मुकम्मल तौर पर क्या है कामयाब नज़र आते हैं और जब औलाद मिलती है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अकीक़ा यही अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की एक सूरत है हज़रत इब्राहिम को जब बुढ़ापे में औलाद मिले दुआ करने लगे अल्हदी वाह बलीबली इस्माईल व इसहाक़ तमाम तारीफ़ें वल्ह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल व इसहाक़ जैसे बच्चे दिए उमन क्या होता है बच्चे हैंडसम पैदा हो जाते हम उनके जाहिर पर गौर करते हैं मगर ये इब्राहिम के बेटे वैसे नहीं थे अल्लाह ताला ने खूबसूरत के साथ खूबसूरत भी बनाया था माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत भी यानी उमन क्या होता है इंसान अगर ज़र्रा ख़ूबसूरत हो जाए तो अपनी जवानी का और अपनी खूबसूरती बननाज आता है देखो नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम के बेटे इसहाक इसहाक के बेटे याकूब याकूब के बेटे यूसुफ हसन बसी रही तो कहते हैं कि अल्लाह खूबसूरती को दुनिया में आधे हिस्से में तकसीम फ़रमाया आधी खूबसूरती सारी दुनिया को दी और आधी खूबसूरती हज़रत याक़ूब की बीबी को दे दी थी जिससे हज़रत इब्राहिम जज जिससे हज़रत यूसुफ् पैदा हुए थे तो इससे खूबसूरत खूबसूरत भी अल्लाह ताली ने बुढ़ापे में औलाद दी बुढ़ापे में औलाद देकर अल्लाह ताली कैसे आज़मा है अल्लाह ताली देखना चाहता है इतने मुदत के बाद यहलाद मिली है तो ये मेरा बंदा खलील इब्राहीम सलाम अपने बेट बेटे की मोहब्बत में चले जाते कि यानी मेरे से मोहब्बत में बाकी रहते कि यह बहुत बड़ा इम्तहान था यह हज़रत इब्राहिम सलाम का यही तो कहता है अल्लाह वई बल इब्राहिम रबिकलीफ़ातन हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने उसके रब ने आजमाया तो माशा दोनों जो है मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए और यह बात आप याद रखें दुनिया में बाप बेटे का ताल्लुक उसी वक्त मज़बूत हो सकता है जब दोनों नेक हों यह मेरे दरस की सबसे अहम पॉइंट है यह जब दोनों नेक हों अल्लाह ताला दोनों के दिलों को जोड़ कर रखता है अगर दोनों में से एक नेक रहे एक बुरे रहे अल्लाह ताला, ताला दिलों को परागंदा कर देता है अल्लाह ताला यही फरमाता है देखो हज़रत इब्राहिम इब्राहीम नेक व इन्न फिलखरतिन इसमाइल का जहाँ जिक्र आया तो वहाँ कहा व जअलना सालिहीन हज़रत इब्राहिम के बेटे इसमाइल को हमने नेक बनाया जब दोनों नेक थे तो अल्लाह ताला ने दोनों के दिलों को मुकम्मल तौर पर जो है दिलों को जोड़ दिया था और हमारे इसलब भी कैसे थे अगर वह अल्लाह की नाफरमानी करते तो क्या करते वो अल्लाह की नाफरमानी का जिक्र अपने बेटे में देखते अल्लाह अकबर और कभी अपने बीवी में देखते बसावकात तो अल्लाह के नाफरमानी का असर कभी हमें अपने जानवर में भी नज़र आता है मौजूदा वक्त में हम देखते हैं कई तरह के हादिस होते हैं हम क्या समझ जाते हैं सामने वाला ज़ोर से ला के मरदा समझ जाते हैं लेकिन वो बात हो सकती है लेकिन वो बात भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने आपके गुनाह का असर दुनिया में दिखाया हो यही बात तो फ़जल लिबनियाज़ रही मिला कहते हैं फ़ी इिलाफुफ़ी जालफ़फ़फ़ी खुलु़ी दाबती व जारियती फजल फ़जलिबनियाज़ रही मिला कहते हैं जब मैं अल्लाह की नाफ़रमानी करता हूँ तो उसका असर मुझे अपने जानवर में दिखता है तो कभी कभी तो अपने पड़ोसी में भी दिखता है कभी कभी तो उसका असर मुझे अपनी बीवी में भी देखता हूँ अब देखो नमाज़ पढ़ के अपने घर को अच्छा गए देखे तो बीवी बदिश नहीं कर रही हैं हालांकि नमाज़ से पहले बात कर रही थी क्या गुनाहों का असर ऐसे कभी भी हो सकता है अल्लाह तबारक वाली अगर दोनों नेक हो तो दिलों को जोड़ कर रखता है मैं बात हमेशा कहता हूँ रसूल सल्ला वल्लम का ज़माना मुबारक ज़माना आपके बाद का ज़माना बड़ा मुबारक ज़माना इन जमानों में तलाक़ व खुला की मतलब वाक़त कम पेश है ज़्यादा पेश आए उंगलियों पर गिन सकते हैं आप तलाक आज आज क्या हो रहा है एक महीने में एक ही महल में तीस तीस चालीस चालीस ये क्या है ये दोनों के अंदर नेकी ना होने जैसे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं अगर दोहे पूरी फैमिली अल्लाह की तात करती तो अल्लाह उसको जोड़ कर रखता कमा सल तै इब्राहिम वाल इब्राहीम अल इब्राहिम का मतलब यही होता है तो लिहाज़ा इस तरीक़े से हमें यह देखना चाहिए कि अगर हम नेक बनते हैं तो हमारा असर जो है क्या होता है बच्चों पर भी होता है और आज के दर में एक बात बताता हूँ आपको वो क्या है अगर बाप अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाता है तो अल्लाह के पास वो मतलब क्या हो जाए बुझा जाएगा उससे इसलिए असलाफ़ की माएँ जब उनके शौहर बाहर निकलते तो उनसे कहते थे जब असलाफ की माएँ वो जब बाहर निकलते हैं, उनके शोहर बोलते थे तो देखो आप लोग बाहर कमाने जा रहे हो हलाल कमाई लाओ हलाल कमाई लाए तो लाओ वरना मत लाओ हराम कमाई मरना हम भूखे रहने पर हम हाँ, क्या हो जाएंगे राज़ी हो जाएंगे आजकल की औरतें कैसी हैं है? तो तुम्हें हराम लाओ हलाल लाओ पूरा बोलते फ़ारसी में हर जत दर घसीट आम बाश या कविट जो भी लो हम खा लेंगे उसे लिहाजा हमारी बीवियों में और जो है पिछले की बीवी औरतों में बहुत बड़ा फ़र्क था इब्न इब हमली एक बात कहते हैं जब आदमी के घर में काम करने वाली बुरी होती है तो उसका असर भी जो है नवाज़ुबिल्ला घर वालों पर पड़ता है मुझे इस वक्त बिनबास की एक मिसाल याद आती है क्या है वो सऊदी अरब में मुसलमानों के अलावा कभी इंडोनेशिया से भी ईसाई खादमाई आ जाती थीं वो ईसा खादिमा रियाज़ के किसी घर में काम करती है से सुनिए इस घर में काम करती थी वो क्या करती वो जिस घर में थी वो मुसलमान थे तो क्या करती वो हर दिन वो घर के बच्चों को ले जाके सूरज की पूजा कराती थी खिड़की खोल करके अब वो क्या हुआ ये खादिमा घर को चले गई इंडोनेशिया अब वो माँ देखती है कि मेरा बेटा या बेटी हर दिन वो ये खिड़की खोल करके सूरज की पूजा कर रही है असताफ़ल्ला तोहद जहाँ है अल्लाह के नबी जहाँ भेजे गए वहाँ के घरों का यह हाल है फ़ौर जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ असल में जो खादिमा थे वो खादिमा के नसरानी अकीदे का असर सऊदी अरब के बच्चियों पर पड़ रहा है अल्लाह बिन अल्लाह के सामने मामला पेश किया गया तो बिन बाहम उसमें कानून बनाया क्या बनाया बोले देखो सऊदी अरब को जो भी काम वाली आती मुसलमान होना माशा कई से अधे थे मगर उसके बाद जो दीन बसरत ऐसी थी तो इससे मालूम होता है कि घर में जो खादिमा होती है उसका असर पड़ता है और जो है पड़ोसी का भी असर पड़ता है और हमारे जानवरों पर भी हमारे गुनाहों का असर पड़ता है आप समझो गाने गाते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो ये गाने गाने का असर आपकी द, गाड़ी पर भी होगा उसका भी होगा बोलते हैं फल खैर कुल्लू मजमून फ़ीतात अल्लाकबाही पूरी ज़िंदगी भलाई अल्लाह की ताँत और उसकी तरफ मतवज होने में है और पूरा शर इसमें है कि बंदा अल्लाह से एराज करे देखो हज़रत इब्राहिम भी अल्लाह की ताँत करने वाले और हज़रत इसमाइल भी अल्लाह की ताँत करने वाले कहाँ से आया ताँत का जज्बा हम कितने मरतबा दुआ करते अपने बच्चों के लिए और नाक नाकाम हो जाते मगर इब्राहिम ने जो दुआ की माशा कैसे कामयाब हुए कहने लगे रब मुन लक ए तू मुझे और मेरे बच्चों को तेरी ताँत करने वाला बना दे यही तो हुआ हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा ख्वाब अपने बेटे के सामने बयान किया वो माइक्रो से कम भी शायद हजरत इसमा सोचे नहीं होंगे आज के जवाब में फौरन बोलने लगे आए मेरे अब्बा जान अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है कर गुजरो जैसे आपके अंदर सब्र है इनशाला मेरे अंदर भी मुकम्मल तौर पर सब्र है हज़रत इब्राहिम सलाम भी अल्लाह की ताँत करने वाले हजरत इसमाइल भी अल्लाह की ताँत करने वाले तो आप देखो हजरत इब्राहिम अपने बाप के लिए नमूना बने यही होता है आप बार बार अपने बच्चों को नसीहत करो नमाज़ जाओ नमाज जाओ नमाज के बाद अगर आप अपने घर में रहो तो बच्चे नमाजी नहीं बनते सबसे बड़ा नमाजी बनना हज़रत इब्राहिम नमाजी बने अपने बच्चों के लिए नमाज़ के लिए माहौल दिया और उसके बाद अल्लाह से दुआ भी करने लगे अब हम मस्जिद को ले जाना साथ में वो अलग है लेकिन दुआ भी करना अपने बच्चों के नमाजी बनने के लिए कैसी दुआ रब बना क्या बोलते हैं रब भी जो अन्य व सल वो अमिन जर्रियती रब बना वह तकबल दुआ देखो खाब देख लिए खाब देने के बाद दोनों तैयार हो गए दोनों तैयार हुए तैयार होकर मीना के मैदान में चलकर जा रहे हैं और हादीस में इसका जिक्र है फलम असलम वतलहूलजबीन दोनों निकले अब ये शैतान का सबसे बड़ा किरदार क्या होता मालूम लड़ाना सही मुस्लिम की रिवायत आती है शैतान अपने अर्श को तख्त अपने अर्श को पानी पर रखे हुए हैं और क्या करता है सुबह सवेरे अपने सारे छोटे छोटे शैतानों को भेजता है दुनिया में आते हैं वो शैतान और सब सब ला के शाम में अपनी रिपोर्ट देते हैं रिपोर्ट देते वक्त एक आदमी खड़े होकर बोलता उसमें आ, मैं जाकर आज शौहर बीवी को लड़ा के आया मैं तो शैतान क्या करता मालूम सबसे रिपोर्ट सुनता मगर ये कहने वाले से उठ गले मिलता है इसलिए कि उसने शौहर बीवी को लड़ाया और यहाँ शैतान के बहुत बड़ा कारनामा यह था कि वो हज़रत इब्राहिम और जो अल्लाह की इत करके दोनों एक दोनों के दिल जम गए थे दोनों को अलग अलग करना और दोनों को गुमराह करना इस रिवायत को दक्तर ज़ियामान आज़मी रही मिला ने अल्जामकामिल में सही कहा है हज़रत इब्राहिम इब्राहीम अपने बेटे को शायद तेरह चौदह साल के थे वो तब तो अपने बेटे को ले जा रहे मीना में जब जा रहे थे उस मौके पर शैतान ने आकर एक मतब उंगली की हज़रत इब्राहिम ने क्या किया उनको मालूम था अल्लाह ताला की आज़माए है मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पे कुरबान करूँगा अल्लाह ने मेरा इम्तान लिया है तो उस मौके पर शैतान ने वहाँ उकसाने की कोशिश की हज़रत इब्राहिम ने वहाँ खड़े होकर कंकरियाँ उठाएं बिसमिल्ल अल्लाह अकबर कहकर साथ कंकरियाँ मारी फिर ज़रा आगे बढ़े तो रिवायतों में आता इब्न अब्बास कहते हैं जब शैतान ने जब शैतान को कंकरियाँ मारी तो उसके हाथ ज़मीन में धंस गए ऐसे ही रिवायत सही है और जैसे आगे बढ़े फिर शैतान आया हज़रत इब्राहिम ने वहाँ भी कंकरियाँ मारी और आगे बढ़े और एक मरतब शैतान आया तीन जगह यहाँ देखो दोनों के दिल जमे हुए हैं दोनों अल्लाह की इतम कर रहे हैं और दोनों माशा अल्लाह तला के खलील इब्राहिम सलाम और हज़रत इसमा सल्लम रसोल के दादा लगते हैं इन दोनों की मोहब्बत में कमी करना अल्लाह तबारक व ताल की मोहब्बत में आड़े आना उस मौके पर शैतान को कंकरियाँ मार कर आगे बढ़ गए अच्छा अब ठीक है जमरात को कंकरियाँ मारी जाती हैं तो क्या वो शैतान को लगती हकीकत वो नहीं है यह जमारात की रमी असल में इबादत है मगर हज का एक मकसद यह है वहां जमारात को कंकरी मारते हुए हाजी को यह सोचना चाहिए कि शैतान ने इब्राहिम को नहीं छोड़ा अल्लाह ताला के खलील को और एक मरतबा तो रसूल वसम को भी नहात नमाज में शैतान आपके ऊपर आग डालने आया सही मुस्लिम की रिवायत ऐसा करने आया तो उस मौके पर कंकरी मारते ना दिल में यह होना शैतान अल्लाह ताला के महबूब चहीतों का दुश्मन है इब्राहिम का दुश्मन है रसूलुल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह यही कहता है तुम उसको अपना दुश्मन समझो हर कंकरी में शैतान की दुश्मनी का वो सबक याद होता है जब हम कंकरी मारते हैं शैतान की दुश्मनी का हमें समझते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं वो कंकरी मारते वक्त इंसान शैतान बन जाता है वो ऐसा बोलिंग डल जैसा लोग मारते उसे ये भी गलत बात है ये पहले क्या हुआ था वहाँ शैतान के लिखा हुआ था जब हम हथकी है उसके बाद वो निकाल के जमारत लिख दिए इसलिए कि वो शैतान का लफ्ज देखते इंसान शैतान बनता और लोग ये समझते कि वहाँ शैतान है वहाँ नाउज़ुबिल्ला ऐसे नहीं होना चाहिए बहरहाल हम मैं क्या बताना चाहता हूँ हज़रत इब्राहिम के अंदर और उनके बेटे के अंदर अल्लाह ताली की इत का ऐसा जज्बा जब जब वबह करने गए तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुमने जो ख्वाब दिया वो ख्वाब सच कर दिखाया और हम इस सुन्नत पर इनशा दूसरों को छोड़ेंगे इब्राहिम आलम ने अपने बेटे को जबह करने के लिए तैयारी कर ली थी अब उसके बारे में पट्टी बांध लिए चाको फिरा रहे पता नहीं कहाँ से लोग बोलते समझ में नहीं आता कुराना हदीस में ज़िक्र नहीं है उसका तैयार हो गए बल्कि है ज़बह करने लगे जबह करने गए अल्लाह ताला ने दुम्बा भेजा उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इस पर माशा हमने हज़रत इब्राहिम आसाम पर के सुन्नत को दुनिया में जिंदा कर दिया और इसमाइल ज़र्रा बड़े हुए हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल की शादी कराई इसी दौरान हाजर का इंतक़ाल हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ यह हदीस लंबी इबन अब्बास की सही बुखारी में है हमारे पास होता क्या है अगर बेटों की शादी करा दी तो बाप बोलता देखो बेटे हमें तुम्हारी शादी करा दे ले अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ जाओ मैं हमारे पास क्या भी नहीं है तुम ना अब होता क्या ऐसा बोल दिए तो बच्चे दूर हो जाते एक महीने में एक बार आते बच्चे भी बेटे भी बहू बाप से मिलने के वास्ते वैसा नहीं मतलब क्या बीमार हुए तो आते कभी ऐसा नहीं होता जैसे बेटी अपने माँ के घर को आती ना बेटा वैसे अपने माँ के घर को नहीं आता बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से अच्छा सुलूक करते हैं हज़रत अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी बीवी के साथ कहाँ रह रहे हैं मुल्क शाम में सारा के साथ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी पहली बीवी के साथ कहाँ रहते हैं मक्के में रहते हैं बुराक में आते जैसे एक मेराज के मौके पर बुराक सवारी थी ना इब्राहिम की भी सवारी थी वो उस पर बैठ कर आते एक मर्तबा आए तो आने के बाद उन्होंने क्या किया घर के सामने खड़े होकर इस्माइल का घर है से सुनिए, इस्माइल का घर है उस मौके पर बाहर खड़े होकर हज़रत सलाम ने सलाम किया बहू ने नहीं समझाया कि ये मेरे खुसर हैं ससरे बोलते ना उनको पूछने लगे तुम्हारे पास क्या है क्या जवाब देती है देखो बहू नहनु बिशर्रिन व फी फ़ीज़ी व शदतिन फ़शकत अलई रिवायतों में आता है बहू ने अपने ससुर का जवाब देते हुए कहा हम बहुत तकलीफ़ में हैं हम बहुत तंगी में हैं गो बहू ने शिकायत की किससे हज़रत व सलाम से, से. ज़रा इन जुमलों पर गौर कीजिए शुक्र करने वाले इब्राहीम शुक्र करने वाले बेटे हज़रत इस्माइल और शुक्र करने वाली बीवी हाजर यह पूरी फैमिली में शुक्र का जज्बा है मगर इन ये शुक्र करने वाली फैमिली में अगर एक नाशुक्री औरत आती है तो घर का क्या अंजाम होगा सोचिए हज़रत इब्राहिम ने उसको ताड़ लिया अगर मेरे घर में नाशुक्री बहू आई तो मेरे बेटे के अंदर शुक्र का वो जज्बा है उसको धक्का लगे ऐसे ही हो रहा हज हमारा घर दीनदार होता है ये एक औरत सरफिरी आती है वो सारे घर को नवाज़बिल्ला तबाह और बर्बाद करके रख देती है हज़रत इब्राहीम ने वहाँ कितना कितना रोया होगा देखो हज़रत इब्राहिम भी साबिर, हज़रत इस्माइल भी साबिर, सब साबिर और शाकिर बंदे जब वो मतलब सबक मिला तो हज़रत इब्राहिम ने वहाँ खड़े होकर कहा देखो अगर तुम्हारे बेड अगर इस्माल आए तो सलाम बोलना और घर की दहलीज बदल लो बोलें अल्लाह में इबिनाशा रही फरमाते हैं कि घर की दहलीज बदल लो क्यों बोले देखो घर की दहलीज असल में पूरे घर के खूबसूरती का पता देती है इसीलिए अल्लाह के नबी ने फ़रमाया घर की दहलीज़ बदलो दहलीज अगर सही रही है पूरा घर सही रहता औरत अगर सही तो पूरा घर सही रहता इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को तजबी दी घर की दहलीज से हज़रत इब्राहिम इब्राहीम चले गए वापस हज़रत इस्माइल आए तो आकर पूछे एक बुज़ुर्ग आए थे तो हज़रत इस्माइल ने अपनी बीवी से पूछा तुम जानते हो कौन हो बोले नहीं जानते हज़रत इसमा सल्लम ने बड़ी हमत से काम लिया तलाक़ दे दी तलाक़ देने के बाद हज़रत इब्राहिम इस्मा सल्लम ने दूसरी शादी की फिर हजरत अलैहिस्सलाम देखो अपने बेटे की खबर गीली के लिए पता नहीं है, वो ढाई हजार किलोमीटर है वो शाम से जो है मक्का बुराक पर बैठ के नमाज फजर के बाद आते और आने के बाद दोबारा अपने जो बहू से बात करते हैं इब्र हज़रत इस्माइल ने दूसरी शादी की बाहर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम इब्राहीम सलाम ने वही सवाल किया जो पहले बहू से किया था तुम्हारे पास क्या है तो बोलने लगी हमारे पास गोश भी है पानी भी है अल्लाह अकबर शुक्र करने वाले ससुर को शुक्र करने वाले बेटे को शुक्र करने वाली बहू मिली तो माशाला कितनी खुशी हुई होगी हकीकत में तो जैसे ही कहा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इब्राहिम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी लहम्ल उनके गोश में पानी भी में, में मुकम्मल तौर पर क्या दे बरकत दे क्या आज ऐसे ससुर हैं जो बहू को दुआ देते हैं क्या हमारे माशरे में ऐसा बाप भी है जो अपने बेटे को दुआ देता है बल्कि हम देखते हैं ख़दम ख़दम पे अपने बच्चों के लिए बदुआएँ बल्कि मैं बोलूँ तो आपका दिल रोएगा ये बाज़ मरतबा तो ये माँ बेटे का तल्लु इतना कड़वा हो जाता है माँ बाप पेपर में देते हैं आज से

इसी वजह से एक मरतबा हज़त उमर इबन ख़त्ताब रज़ी के पास एक आदमी आकर अपने बेटे का शिकायत करने लगा मेरा बेटा वैसा है वैसा है हजरत उमर ने उस उस आदमी से पूछा तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा उसको क्या तालीम दी उन्होंने बोला उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे का जो नाम रखा है उसका तर्जमा है गोबर का कीड़ा अपने बेटे का नाम रखा गोबर का कीड़ा तो हज़रत इब्राह उमर इबन ख़ाब रजा उन्होंने कहा तुमने अपने बेटे का नाम जो है गलत रखा अपने बेटे की हक़ में तुमने बदुआई की इस वजह से तुम्हारा बेटा ऐसा हुआ है तुम तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जो कर रहा है उसके तुम ज़िम्मेदार हो तुम्हारा बेटा ज़िम्मेदार नहीं तो इस तरीके से हमें आज भी ये बाप बेटे के ताल्लुक को मजबूत बनाने की बहुत सख्त जरूरत है वक्त कम है अपने दर्स को और आगे बढ़ाते हैं बहरहाल हज़रत इब्राहिम और में जो ताल्लुक था ना वही ताल्लुक हर बाप बेटे को दुनिया में होना चाहिए सबसे पहली चीज़ ये है के हमें जो ज़िंदगी में जो हमें समझ में आता है वो क्या है दुनिया में कामयाब बाप और कामयाब बेटा बनना है तो इब्राहिम और इस्माइल को आइडियल बना के ज़िंदगी गुजारो ये सबसे अहम चीज़ है दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक वाली ने इब्राहिम सलाम और उनके ख़ानदान को इतना ऊँचा उठाया क्यों उठाया उसकी वजह यह है कि उनके अंदर सब्र भी था शुक्र भी था कभी बाप की वजह से गर्म जज्बात हो जाते गर्म जज्बात हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ता है उस वक्त सब्र करना पड़ता है हज़रत इब्राहिम इब्राहीम के अंदर भी सब्र था शुक्र था माशाल्लाह खुशगवार ज़िंदगी मिली और उससे और एक अहम बात यह बाप बेटे का ताल्लुक अच्छा होना बोले तो दोनों का अहिदा सही होना आजकल जब देखो बाप तौहीद परस्त है बेटा दरगाह पार्टी है नहीं हो सकता दोनों तौहीद परस्त होना चाहिए और बाद लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक वाली नस्लों की हिफाजत ऐसे ही करता है जब दोनों तौहीद परस्त होते हैं अलैहिस्सलाम भी जो है कैसे तोहिद परस्त हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माइल तोहिद परस्त और माशाल्लाह हज़रत इस्माइल की नवी पुश से अल्लाह के अलैहि सल्हल्म पैदा होते हैं जो तोहिद परस्तों के सरदार थे और इस्लेसम भी तोहिद परस्त उन अम्बिया बने इसराइल का बहुत लम्बा सिलसिला चला अल्लाह ने कहा वजानाफ़ी जर्रीति नबूतवल किताब साल उसी हफ़ि कहते हैं अल्लाह ताल तो से नस्लों की हिफाजत करता है मैं आपको बताता हूँ क्या अबू जहल की नसल मौजूद है दुनिया में क्या अबुलहब की मौजूद नसल दुनिया में नहीं है किसकी नसल है साहबा की नसल है क्यों इसलिए कि तोहैद परस्ते है आज के ज़माने में अगर आप एक मिसाल लेना चाहते हैं तो मोहम्मद इबन अब्दुलवाहाब रही को देख लो शायद तकरीबन आज से 200 सौ साल पहले अरब में पैदा हुए अल्लाह तबारक ताली ने इस खानदान में इतनी बरकत दी उलमा तो बोलते दुनिया के ख़ानदानों मेंा के ख़ानदान में सबसे बड़ा ख़ानदान और आज भी सऊदी अरब का अगर कोई मुफ्ती बनना चाहता है वो मोहम्मद बिन अब्दुल अब्दुलवाहाब रहा के ख़ानदान से ही होना उन्हें उनको शेख कहते हैं इसी तरीके से ये जिंदगी हमारे में ये भी मालूम होता है कि तोहद से समोतात माशा पैदा होता है और ख़ानदानी निज़ाम इसीलिए मजबूत होता है आजकल अब देखते हैं आप अब किसी को बहू बना के लाते पहली रात से यह शुरू हो जाता है कि हमें माँ बाप को छोड़ को अलग जाके एंजॉय करेंगे ये गलत तस्वूर है ये चंद बहू को अपने सास ससुर से रहना चाहिए क्यों उस उस वक्त क्या होता है अपने शौहर को समझने में मदद मिलती है तो इस तरीके से हमें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए और उस तरीके से ये बात भी है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है रसूल वसल्लम ने फरमाया ये वालिद जन्नत का बीच निचला दरवाज़ा है बीच का दरवाज़ा है चाहे तो तुम उसे ज़ाया करो चाहे तो उसे जो है उसकी हिफाजत करो और उसी तरीके से हज़रत इब्राहिम और इस्माइल के इस कस्से से इसमें जो हमें यह बात मालूम होता है बेटों को चाहिए कि वह बाप की कदर करें उनको न सतएँ उनका ना मज़ाक़ उड़ाएँ ना बुलंद आवाज से बात करें आजकल तो ऐसे होता है अगर वो बाप अगर पैसे नहीं दिया तो नवाज़बिल्ला ऐसा भी होता है कि बेटे बाप कुछ मार देते हैं अल्लाह अकबर कुरान तो बोलता है कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक ना उफ किसे बोलते देखिए ये उफ इतना भी अपने माँ बाप को नहीं बोलना तो जब अल्लाह उफ तक नहीं कहने का हुक्म दिया तो रुलाना कैसे मारना कैसे और उनको घर से बाहर निकालना कैसे बल्द आवाज में बात भी नहीं करना और यह बात भी याद रखो हज़रत इस्माइल से अल्लाह राज़ी हुआ क्यों राज़ी हुआ इसलिए कि वो अल्लाह के ख़ुदा अल्लाह के बंदे और रसूल थे सब था लेकिन हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल से राजी थे और जिससे उसके वालिदैन राज़ी हों अल्लाह उन्हीं से राजी होता है अल्लाह ने फरमाया ऱाला फी रजलवालिदेन और उस तरीके से हमें इस दरस में एक अहम पैगाम है वो क्या है हजरत इब्राहिम को अपना बाप मानो अरब में हमने देखा बड़े बड़े को बाप बोलते हैं साले फौजान को देखो उनको देखो अल्लाह तो फरमाता है हुआ सम मिल्लत है अबीकम इब्राहीम नबी अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं आई लोगो मैं तुम्हारे लिए एक रूहानी वालिद की तरह हूँ मैं तुमको ख़जा हाजत के आदाब सिखाता हूँ तो लिहाजा हमें अम्बी हज़रत इब्राहिम को रूहानी बाप बनकर हमें यह समझना चाहिए कि इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल की तरबियत कैसे दी शादी के बाद भी ताल्लुक अच्छा रहा वैसे अपने बच्चों से शादी के बाद ताल्लुक रखना चाहिए और उसी तरीक़े से और एक बात भी है माँ बाप को चाहिए मरते दम तक अपनी औलाद से मोहब्बत करें अल्लाह

हर एक बेटे को दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं तुम पर गवाह बन सकता हूँ और औलाद से अपनी मोहब्बत करना चाहिए आजकल कर हम देखते हैं कि ये औला ये ताल्लुक़ मादा परस्ताना मतलब परस्ताना हो गया है बच्चे माँ बाप के घर क्यों जाते हैं बोले तो विरासत ये होना और बस बसावत ऐसे भी देखते हैं वो विरासत के माल को हासिल करने का नौज़बिल्ला आज की ये जो नस्ल है वो अपने माँ बाप को खुद ख़त्म कर रही अस्तरल्ला और उसी तरीके से इब्राहीम की जो मोहब्बत थी उसका मजबूत ताल्लुक़ हम देखते हैं देखो कुरान में यूसुफ़ का किस्सा भी है वो इब्राहीम अपने बेटे जो मोहब्बत करते थे थे ना वो उनकी औलाद में चला हुआ माशाल्लाह हज़रत इब्राहिम के बेटे याकूब याकूब के बेटे इब्राहिम के बेटे या इसहाक इसहाक के बेटे याकूब याकूब के बेटे यूसुफ़ अब देखो ये ये सोने की जंजीर है हज़रत अलैहिस्सलाम जब गुम गए तो क्या हाल हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रोते रोते बीना ही चले गई और जब बोलने लगे अश्कू बसी वजनी मैं अपने सारे गम की शिकायत अल्लाह से करता हूँ जब इब्राहिम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को लाके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाले तो बाप बेटे का ताल्लुक कैसे है देखो फ़ौरन कहने लगे इन्नी ला दोरी है यूसुफ। मुझे तो यूसुफ, तो अपने बेटे यूसुफ की खुशबू मालूम होती है ये होता है बाप बेटे का ताल्लुक और उसी तरीके से हमें यह भी देखना चाहिए कि शरीयत ने एक अच्छी बात बताई वो क्या बात बताई बताई बताइए कि अगर नाबालिग जब बच्चे होते हैं तो उनके बाप का इंतकाल होता है तो ऐसी सूरत में वो बच्चे बाप के वो बच्चे यदीम हो जाते हैं लेकिन माँ मरे तो यतिम नहीं होता इससे खुद मालूम होता कि बाप कितना अहम है वालद किन के लिए आ, बच्चों के लिए और उसी तरीके से माँ बाप का ये जो बच्चों का और बेटों का जो ताल्लुक होता है आप देखेंगे बेटे बाप का ताल्लुक अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देखो बेटा कभी कमाई के लिए दूर जाना चाहता है तो कैसा लपट लेकर रोते हैं ये असल में बाप की मोहब्बत है और इस तरीके से ये बाप बेटे का ताल्लुक उस वक्त समझ में आता है जब बेटे की शादी होती है वो अपने बाप से लिपट लिपट के रोता है और उसे गम भी होता खुशी भी होती क्या खुशी खुशी इस बात की कि मैं अपना नया घर बसाने जा रहा हूँ और ग़म इस बात का कि मैं अपने बाप से बिछड़ रहा हूँ और एक आदमी को अपने बाप का एहसास उस वक्त होता है जबकि वो खुद बाप बनता है ये दुनिया में हकीकत है तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि ये बाप बेटे का ताल्लुक कमजोर होता जा रहा है क्यों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है उसके असबाब बयान करके अपनी बात को खत्म करते हैं यह सबसे पहले बाप बेटे का ताल्लुक आज कमजोर क्यों हुआ उसकी वजह यह कि हमने बच्चों को बचपन से माँ बाप की कंदर वंजिलत नहीं बताई ये सबसे अहम है बोलते उलमा जब छोटा बच्चा तोल तलता रहता जबान लुढ़कते सबसे पहले ला इल्लल्लाह सिखाओ उसे और देखो ला इल्लल्लाह ऐसा कलिमा है जिसको बोलने के लिए होंठों को हरकत देने की जरूरत भी नहीं पड़ती माशाल्लाह लाला कहाँ है? इतना आसान कर दिया इस कलीमे को अल्लाह तबारक तौला ने तो क्या करना बचपन में उनको दुआ सिखाना रब हम हम कमा रब बयानी सिगारा अगर बचपन में अपने बच्चों को अगर हम यह दुआ सिखा देते हैं तो मैं समझता हूँ उस दुआ का तर्जमा सिखाएंगे कि माँ बाप की सही कदर व मंजिलत मुकम्मल तौर पर उनके जहनों में बैठती है और उसी तरीके से ये बाप और बेटे का तल्लु कमज़ोर क्यों हुआ बोले तो उसमें और एक चीज़ है दीनी तरबियत का फ़ुकदान होता क्या है स्कूल शुरू होती है सब भी होता है हम बैग टई सब सब सुल लिख देते हैं उसे उसकी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं मैं रूहानी तरबियत नहीं हो रही है जिसकी वजह से बेटे अपने बाप से नौजुबिल्ला दूर होते जा रहे हैं और एक बात भी है वो क्या है अगर मैं अपने माँ बाप का नाफरमान हूँ तो होगा क्या अल्लाह ताला मुकाफात अमल के तौर पर दुनिया ही में बताता है तुम्हारे कोक से जन्म लेने वाली औलाद तुम्हारी नाफरमानी करेगी ये दुनिया में है ही है अगर मैं अपने माँ बाप का नाफरमान हूँ मेरी औलाद नहीं, ना करते। वैसे नहीं थे देखो इब्राहिम ने अपने बाप से अच्छा सुलूक किया अगरचे वो काफिर थे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप से अच्छा सुलूक कर रहे हैं और एक बात भी है हम अपने बच्चों को गलत तालीम देते हैं यह गलत तालीम भी क्या करती है बाप को बेटे से दूर करती है और खानदान का असर बास खानदानों में बाप बेटे के लड़ाई मशहूर होती इसीलिए हमारे उलमा बताते हैं शौहर बीवी को अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना चाहिए होता क्या लड़े तो होता क्या मारते नौजबिल्ला यह बात भी है वो बेटा बड़ा होकर अपनी बीवी को ही मारता उन्हें क्या बोलता मेरे पापा को मैं देखा मेरी अम्मी को मारता है वो मैं तुमको मारता हूँ ये विरासत आती है लड़ाई झगड़े में और उस तरीके से बाप के अहतराम से मुतक़ जो हदीसें आयतें हैं वो हमें अपने बच्चों को नहीं समझाए क्या हमें कभी समझाए क्या इब्राहीम सलाम अपने बाप के साथ कैसे थे रसूल अक्रम स माँ के साथ कैसे थे एक रिवायत आती है हारिस नौमान रज़ील्नों की रसूल सल्ह वसम जो है एक मरतब अल्लाह के नबी मेरा चुके थे उस मौके पर आपने इन उनको जो है अपने सामने चलते हुए देखा जन्नत में तो अल्लाह के नबी ने उस बुलाया क्या बात है मैंने तुमको जन्नत में अपने सामने चलते हुए देखा है तो अल्लाह की नबी ने फरमाया रसूल अल्लाह कोई बात नहीं मैं अपने माँ से बड़ा अच्छा सुलूक करता हूँ मैं अपने माँ को चोटी डालता हूँ और अपने माँ को खिलाता हूँ पिलाता हूँ कभी कभी तो बात करते मुझे समझ में नहीं आता मैं सब्र करता हूँ बाहर से लोगों को बुलाता हूँ बोलता हूँ देखो मेरी माँ क्या कहती है सुनो जब वो सुनकर बोलते हैं तो मैं अपनी माँ की बात को समझता हूँ और ये हज़रत अबू रजी का वाकत रुला के रख देता है हजरत अबू रज़ी एक दिन रसूल सल्ह वसलम से रोते हुए आते हैं कहते हैं या रसोल्ला मेरी माँ आपके खिलाफ एक बात कहती है मुझे बर्दाश्त नहीं होता सुनने नहीं होता आप दुआ नहीं करते क्या या रसूल मेरी माँ को अल्लाह हिदायत दे दे अल्लाह के नबी सल्ह वसलम खुशगवार मूड में थे दुआ कर दिए ﴾अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबीरा अबूर के माँ को हिदायत दे दे हजरत अबू रज़ी कहते हैं नबी के दरबार से यह दुआ सुनकर निकला अपने घर को जाता हूँ तो मेरी माँ उनका नाम उमामा था वो माँ माशा हमाम में से निकल रही है और बोलती अशद तो उलमा बोलते हज़रत इब्राहिम हजरत अबू रजी अपने घर को जाने से पहले नबी की दुआ उससे पहले पहुँच गई माशा और उसके बाद हज़रत अबूर का ताल्लुक ऐसा मालूम जब तक माँ जिंदा रही हचकू नहीं गए और उस घर में दाखिल तो बोलते अए माँ असल वरहमतुल्ल वो बेटे भी जवाब देते वालेकुम असलम र्ल उसके बाद बोलते आए आए अए माँ तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो तो माँ बोलती असल में बात यह है कि तुमने मेरे हुसने सलूक किया तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को बताएँ कि बाप बेटे का तल्लु क्या होता है देखो हज़रत उमर हज़रतमर रज़ील्न के बेटे अब्दुल्लि इब्न उमर थे ना तो हज़रत उमर ने एक दिन क्या कहा कहाबुल्लि इबन उमर से अपने बीवी को तुम तलाक दे दो आज की नस्ल क्या पूछेगी तुम्हें भाव को कर ले का है ना मेरे वास्ते करे तुम्हारे वास्ते करे तो इबन उमर वैसे नहीं थे मुतव सुन्नत अपने माँ बाप के बड़े इतात तो फर्मा बरदार शायद उनके अंदर कुछ कमी थी दीनदारी के अतबार से हज़रत अब्दुल्लि इबन उमर ने अपनी बाप के बात को मान कर माशा हजरत उन्होंने क्या किया अपने बेटी बीवी को तलाक़ दे दिया तो इस तरीके से माँ बाप सबसे ज़्यादा अपनी औलाद के बारे में ज़्यादा जानते हैं अगर वो कहीं सही रिश्ता लाते हैं जिस पर जो है वो नहीं उतरता बेटा तो उसे गुस्सा आ जाता है आजकल होता क्या है माँ बाप अपने बच्चों की शादी करने में देर कर देते हैं असल होता क्या है वो देर करते करते चैटिंग करते करते कहीं लव करके नवाज़़िला फंस जाता है बाद में आकर माँ बाप माँ बाप से बोलता अब्बा वहाँ एक मैं लड़की से लव कर लिया हूँ वह मेरी शादी करा दो अब वो माँ बाप उससे राज़ी नहीं होते बाद में होता क्या नवाज़ पूरे माँ बाप इसे छोटे से लेकर बड़े होने तक माशा पाले खड़े वो शादी के मसले में अपने माँ बाप से इख्तलाफ़ कर लेके जाके बाहर शादी कर लेता है अल्लाह अकबर बेटे की शादी हो रही उसमें मां बाप मौजूद नहीं है इस तरह के रुलाने वाले किस्से हमारे माशरे में बहुत हो रहे हैं और उसी तरीके से यह बाप बेटे का ताल्लुक जो मुतासर होता है उसका एक वजह बुरे माहौल का असर हमारे माशरे में तो ये खाने में नमक कम हो गया वक्त पर अगर फ्यूज़ नहीं बने ऐसे अंदाज से घूरते हैं बच्चे अपने माँ बाप को हालांकि पुराने ज़माने में माँ बाप की निगाहों से निगाह मिलाकर बात करना बेअबी समझा जाता था आजकल तो कैसा है बाप से बात करें मोबाइल में देख रहे तो बोलते अपने माँ बाप के सामने बैठ मोबाइल भी नहीं निकलना अपने जैब से उतना उनका अदब करना चाहिए तो ये बुरे माहौल का असर बुरे दोस्तों का भी असर है आप ऐसे आदमी से मिल रहे हैं जो अपने माँ बाप का ना है वो नाफरमानी हमारे अंदर भी आती है गफलत और लापरवाही जिम्मेदारी का एहसास नहीं हम देखते हैं ये बेटे और बाप का जो है ताल्लुक इतना कमज़ोर हो जाए ये कमज़ोर होने की वजह से ख़ानदानी निज़ाम पूरा तबाह बर्बाद होते जा रहा है मैं आपको बताऊँ हिंदुस्तान तो ये एशिया तो कितना की बेहतर है अगर आप यूरोप में चले जाएँगे होता क्या मालूम है बेटा अपने बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर रहा है ये माहौल पैदा हो रहा है वो पता नहीं ये माहौल पता नहीं कहाँ इस वक्त यहाँ आ जाएगा ऐसा चल रहा है दुनिया में यानी बेटे अपने माँ बाप के खिलाफ भी केस कर सकते हैं असताफिर अगर वो कोई बात कहते हैं समझ में नहीं आती इस दर्स पर इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करने वाले पूरी जिंदगी साथ दिया जब ना शुक्री बहू मिली तो शुक्र वाली करने वाले बहू भी हो गई देखो दुनिया से जा रहे हैं दुनिया से जा रहे हैं तो भी अपने बच्चों को बुलाकर पूछ रहे हैं आए मेरे बेटो तुम मैं जब चलो दुनिया से चले तुम किसकी इबादत करोगे ऐसा ही एक बाप को अपने बेटे से मरते दम तक ताल्लुक रखना चाहिए अल्लाह तबारक वाली उस तस्कर सुर बकराम के आख़िर में करता है फ़ला इन्ा हस्तफ़ाकिन फ़लातम व वस्सा बिहा इब्राहिम याकूब और यक़ूब याबिन मतहबूद इबादी हज़रत इब्राहिम भी पूछते हज़रत याक़ूब भी पूछते सब मिलकर जवाब देते तुम्हारा जब मबूद है हमारा वही मबूद है तो इस तरीक़े से हमें मरते दम तक अपने बेटों की अपने बच्चियों की फ़िक्र करते रहना चाहिए हजरत नूसम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो क्या करें मालूम अपने बेटों को बुलाकर बोले बेटो ला लाह ला पढ़ते रहो सुबह लल्ला पढ़ते रहो और देखो मैं तुमको दो चीज़ों से रोकता हूँ एक शिक्क से रोकता हूँ तकबुर से रोकता हूँ इस वाक़े पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कई रिवायतों में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने छोटे बेटे थे बचपन ही में इंतकाल कर गए अल्लाह के नबी के बेटियां जो चार थी वो बाकी रहीं रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते सफ़र से तो जाकर मस्जिद में दो रकत नमाज़ पढ़ते कई रिवायतों में आया बल्कि यह आता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के पास जाने से पहले अपने बेटी के पास फ़ातिमा के पास जाते थे इतनी मोहब्बत फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी जब भी फ़ातिमा के पास जाते अल्लाह के अल्लाह दो क्या करती फ़ातिमा चादर बिछाती तकिया ला कर रखतीं अल्लाह के नबी जाकर फ़ातिमा के जो है बो बोच मतलब वो पेशानी को बोसा लेते फिर बात करते जब उनके हाथ में घट्टे पड़ गए थे पानी उठा उठा करके चक्की पीस पीस करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा और अली को बुलाकर बिठाया कहने लगे तुमने मेरे से खादिम मांगा है मैं तुमको खादिम से बेहतर एक नुस्खा बताता हूं वो नुस्खा यह है कि सोते वक्त सुबह अल्लाहिला अल्ला, पढ़कर सो अभी सवाल पैदा होता है हाथ में घट्टे पड़े हैं पानी उठा करके चक्की पीस करके मगर रसूल सल्हु वसलम उनको खादिम दे रहे हैं क्या बात है अल्लाबन रहा अल्ला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया अब याद रखो ये असल में बात क्या है इंसान जब जिसमानी तौर पर थकता है अल्लाह का जिक्र उस थकान को दूर करता है ये हकीकत है और दूसरा जवाब ये है कि बंदे के अंदर जो एनर्जी चले जाती है वो अल्लाह के जिक्र से वापस आती है मैं आपको पूछता हूँ लूज मोशन हो गए तो वो आर एस पीते जैसे इलेक्ट्रॉल पीते है। ये क्या है जिसमानी ताकत ये ये क्या है ये रूहानी ताकत दिन भर आप थक कर हैं अमल करके देखिए आप सोते वक्त अगर आप तस्वीर पढ़ेंगे ना वो नौजवान जो दिन भर काम करके वो जानवर की तरह सो जाता है बसों में मगर वो अगर सोने से पहले तस्वीर पढ़ ले तो ऐसे मालूम होगा कि दिन भर उसने काम ही नहीं किया है और अमला इब्ने तैमिया रही वैसे उलमा जिन्होंने अमल करके अपनी ज़िंदगी में देख करके माशाला दूसरों के सामने उसकी वजाहत फरमाई खुला कलाम यह है इन दिनों में हम हज़रत इब्राहिम को इस्माइल को याद करते हैं इस हैसत से देखिए है, हज़रत इब्राहिम बेहतरीन बाप उसके बाद बेहतरीन बेटे बने और बेहतरीन बाप बन के उन्होंने हज़रत इस्माइल जो तरबियत की तो हमें मालूम हुआ अपने बच्चों की फ़िक्र करते रहना चाहिए माशाल्लाह बास खानदानों में हमने देखा है मरते दम तक अपने बेटों की फ़िक्र रहती है चाहे वह बेटी हो या बेटा हो यही हज़रत इब्राहिम आलम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है अल्लाह तबारक से हमारी दुआ है अल्लाह हम सब बापों को इब्राहिम की तरह बनने और हमारे बेटों में इसमान की तबेदारी अल्लाह ताली हम सब के जो है अंदर पैदा फ़रमाए इब्राहिम इब्राहीम ने अपने बेटे और अपने बच्चों की तरबियत जैसे कि अल्लाह ताली हम सब को इब्राहिम के नक्श क़दम पर चल कर अपने बच्चों की हमें सही तौर पर तरबियत करने की तोफ़ी अदा फरमाए अयर रब आज की नस्ल में ये अपने माँ बाप से गलत सलूक करने का जो जुहान है अल्लाह ताला गलत औला जितने भी हैं अल्लाह ताला उन सबकी हिदायत के की दौलत से मलमल फ़रमाए ताला हमारी औरतों को हाजर और सारा के नक्श कदम पर चल कर चलते हुए अपने बच्चों की तरबत तौफीक तो अता फ़रमाए आखिर दावा ना नानी अलहमदिल्ल रबी <Neshaan>